अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, देवी सबको जय जय भीम जय भीम, देवी सबको जय भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ लोग जाएंगे अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम, मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, खड़ा कर दो अमर रहे, खड़े जाओ समाज के
पकड़ शायद नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम संविधान निर्माता संविधान निर्माता चलो प्रधान जी चलो चलो मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता अमर रहे मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम अमर रहे संविधान निर्माता अमर रहे संविधान निर्माता अमर रहे मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम मेरी सबको जय भीम जय भीम जय भीम मेरी सबको जय भीम जय भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
31वीं जयंती के इस जिला स्तरीय समारोह के संबंध में मुख्य अतिथि श्री शैलेश तेजस्वी जी, लोक सेवक भारत सरकार, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा, मचबस अभिमान अम्बेडकर विश्व सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष श्री शिवकांत चंद्रा जी, वृंदा सभा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सूर्या जी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्णनाथ शाह जी, पूर्व प्रधान पूर्व दास सभा चंबा श्री नितीश्वर सूर्या जी, समाज सेवक अतुल गणी जी, सरस्वती संगीत अकादमी से इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आप सबका मनोरंजन करते हैं। शामिल विद्यार्थीगण, शिक्षार्थीगण, वरिष्ठ नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं के अम्बेडकर क्लब चंबा, श्री गुरुदास सभा चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा, भीमावती महिला मंडल चंबा, अनुसूचित जाति कल्याण समिति चंबा, अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति से पूरा अम्बेडकर विश्व सोसाइटी साहू महिला व अन्य इलाकों से आए रहने वाले संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक मीडिया से आए हमारे कर्मठ पत्रकार वर्ग, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्रीड़ात्मक खेल सांस्कृतिक कला व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आज मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों से पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे सभी विद्यार्थी, शिक्षार्थी व अन्य अध्यापक कर्मचारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका अम्बेडकर विश्व सोसाइटी चंबा अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग स्वरूप मनाए जा रहे इस जिला स्तरीय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के समारोह के उपलक्ष्य पर बधाने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अभिवंदन करता हूँ। हम तो राज करते हैं बाबा के कलम के बल पर, हम तो राज करते हैं तेरे एहसानों का बाबा, हम सम्मान करते हैं। बदलेगा वक्त और बदलेगा जमाना भी, बदलेगा वक्त और बदलेगा जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से, जय भीम के उद्घोष से हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं, हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मेरी सबको जय भीम, मेरी सबको जय भीम। सबसे लंबे लचीले जीवन एवं सर्वश्रेष्ठ संविधान के महान शिल्पकार, महान युग परिवर्तक, महान विचारक, सुधी विश्लेषक, प्रबुद्ध विचारक, प्रखर समाज सुधारक, साहित्यकार, चिंतक, सुधी विश्लेषक, विवेकशील महामानव, दलितों के नसीबा, विश्व ज्ञान के प्रति ज्ञान के सूर्य, हम सब के लाखों करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, मजदूरों, समाज के हर वर्ग के मसीहा, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी 131वीं जयंती मनाने हेतु आज हम सब इस चंबा के ऐतिहासिक
ये वो क्षण है जिसका बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं। बाबा साहब के शरणों को छुपाने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बाबा साहब के किए हुए कामों, समाज के विभिन्न वर्गों के उद्धार के लिए, उनके द्वारा दिए गए प्रावधानों का कर्ज उतारने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए प्रगले कि बाबा साहब के सपने पर भारत का हम निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग सद्भाव से रह सके, समरसता हो, समानता हो, किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, सभी को समान जीने का अधिकार मिले। शैक्षणिक क्षेत्र में, सहशैक्षणिक गतिविधियों में, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में उत्कृष्ट एवं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को सम्मानित करने के लिए बल, ताकि समाज में अपने अपने क्षेत्रों में सभी और ज़्यादा तन्मयता, लगन से कार्य करते हुए अपना अनुकरणीय योगदान इस समाज में दें, ताकि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत का हम निर्माण कर सके। ऐसी ही परिकल्पना, ऐसा ही आज हम प्रण ले रहे हैं, ताकि बाबा साहेब की जय जयकार करने से बाबा साहेब के सपनों के भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीम राव महान, ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीम राव महान, भारत के क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम। मेरी सबको जय भीम, मेरी सबको जय भीम,
व अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को आज हम मुख्य अतिथि के कार्यक्रम से सम्मानित करने वाले हैं। आप सब जो विद्यार्थी मानी आज मन से शैक्षणिक मानने के लिए आप सब ये महसूस कर सकते हैं, आप सब ये विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप भी इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रम में इस मन से उस मन तक तय कर सकते हैं। आप भी इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में हमारे उसकी जीती जाती मिसाल हमारे बीच में श्री शैलेश जैसी हमारे बीच में ये उसी क्षेत्र का एक परिणाम है कि हम उच्चतम अधिकारी के पद तक पहुँच सके। हम बहुत संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाबा साहब ने हमारे समाज को जो देन दी है उसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पता है। मैं कुछ बातें आपको समझ रखना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार के रहते हुए 7 वर्ष में जो हमारे महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ करता था उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने क्या क्या प्रयत्न किए उसकी छोटी मिसाल आपको दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत में सबसे पहले भूमिगत जो कार्यक्रम भूमिगत ये अपने श्रमदान श्रम हुआ करता था उसमें महिलाओं को जाने की का जो एक फतवा था उसे बाबा साहब ने समाप्त कर दिया, क्योंकि किसी भी आपदा में वक्त उस तो
समय को महात्मा फूले जी ने प्रशस्त कर दिया था, लेकिन उस पर मोर लगा दी बाबा साहब ने। संविधान में वो प्रोविजन कर दिए जो ब्रिटिश हुकूमत में जब बाबा साहब ने ये प्रावधान किए थे, उसके ऊपर मोर उन्होंने अपने संविधान के द्वारा लगाया। Thank you.
हिंदू को भी संसद में
बार जोरदार ताली दो। और एक बार आप तालियां लगाना चाहूंगा अपने डिप्टी जो रिटायर के लिए, इनमें अब भी है रिटायर हो गए
धन्यवाद करता हूँ।
कार्यक्रम में चंद एक मिनट के लिए
जो उन्होंने भक्ति काल में देखा है, जिसे आज के युग में साकार करने के लिए बाबा साहब ने जो प्रयत्न किए, मैं बाबा साहब के चरणों को और संत रविदास जी के चरणों को उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज का मेरा विषय है देवपुरा और बाबा साहब। माननीय सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय हरविंदर जी, श्री शैलेश जैसी जी, आईपी एंड पीएफएस सिविल सर्वेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मंच से समस्त गणमान्य व्यक्ति और सभागार में उपस्थित विशाल जनसमूह, ज्ञान को समर्पित
Thank you.
सभी पेड़ों में
उनकी
हमारे 10
सिद्धेश्वर सूर्या जी, दीपक सर, विनाश पाल जी, अनूप राही जी, अब्दुल गनी जी, जितेंद्र सूर्या जी, मेघना जी और सभी गणमान्य लोग, आपके लिए प्यार और स्नेह के लिए धन्यवादी हूँ। शुरू में भाषण में विनाश पाल जी ने ये बात कही कि यहाँ से वहाँ का सफर, तो सच बताऊँ छोटे होते से हम अम्बेडकर जयंती का पार्ट रहे हैं, लेकिन नाम सिर्फ एक ही बार मिला है। हर बच्चे का सपना रहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जयंती पे उसे नाम मिले, बट मैं शुरू से ही इतना जरूर रहा है कि जिस भी चीज में भाग लिया जाए उसमें आगे जाके परफॉर्म किया जाए। मेरा यहां तक पहुंचना, सिविल सर्विसेज का क्लियर करना, अगर एक काम मुझे लेना हो जिसको मैं श्रेय देना चाहूं तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। ज्यादातर लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ इसीलिए याद रखते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिली है, रिप्रेजेंटेशन मिली है, टू बी प्रिसाइज। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आजादी से पहले जो हमारे हालात थे, जिनका तो मैंने सिर्फ सुना ही है, लेकिन इस तरह मंच पे खुलकर हम कभी बोल नहीं पाते और ना जिसका पूरा उपयोग कर रहे हैं वो एक इंसान की बदौलत है। मैं एक कोट से बाबा साहब का शुरू करूंगा। एक किस्सा है जो शायद बी एस भट्ट जी ने भी बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनके सहायक थे नानक चंद्र दत्तू जी, एक दिन डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे थे तो नानक चंद्र दत्तू जी ने उन्हें पूछा कि बाबा साहब आप रो क्यों रहे, क्योंकि वो काफी भुचक्के रहे कि एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी असमानता के खिलाफ लड़ा हो आज वो रो क्यों रहा। उनका ये कहना था कि मेरे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई इंसान आगे जाता है, पढ़ लिख के आगे जाता है, किसी अच्छी जगह पहुंचता है, तो उसका एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने समाज की सोच को या अपनी सोच को चैलेंज करने की कोशिश करे, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करे कि क्या उस समय जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अच्छे कदम पे चल रहे हैं। उनका कहना था कि मैंने क्लर्कों की फौज खड़ी कर दी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचने में लगी है, अपना पेट भरने में लगी है, उसे सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है जिसका वो पार्ट। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप आज क्या कर रहे हो, आपको सोचना है। मेरा क्या मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, ये सवाल आपके लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा एक और किस्सा है बाबा साहेब की लाइफ से कि
मैं आपको इंट्रोड्यूस समय दे दूँगा। तो पत्रकार जब 9 बजे गांधी जी के वहाँ गए तो गांधी जी इस तरफ उस दिन सो चुके थे, तो जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने कहा कि आप कर लाएंगे। जिन्ना जी के पास जाने पर भी यही पता लगा कि वो सो चुके। तो 12 बजे के करीब अराउंड मिडनाइट वो पत्रकार डॉक्टर अम्बेडकर के घर पहुंचे और डॉक्टर अम्बेडकर उस टाइम भी अपना काम कर रहे थे। तो पत्रकार ये देख के बहुत ही अचंभित रह गए कि 12 बजे भी वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो उन पत्रकारों ने जब बाबा साहब से पूछा कि आपके जो साथ के पॉलिटिशियंस हैं वो इस समय सो चुके हैं लेकिन आप अभी भी जागे हुए हैं, तो उनका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था कि गांधी जी और जिन्ना जी इसीलिए सो चुके हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है और मैं अभी तक इसीलिए जागा हुआ हूं कि मेरा समाज अभी भी सोया हुआ है। बाबा साहेब ये पसंद नहीं करते थे जब उनके अनुयायी उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे या उनका बहुत स्वागत करते थे, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट तब भी उनके अनुयायी उनका उन्हें सेलिब्रेट करते रहे। लेकिन सवाल ये है जो आज हम कर रहे हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट, क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आगे लेकर जाएगा या हमें इससे आगे भी कुछ सोचने की या करने की जरूरत है? इंसान मर जाते हैं, विचार जिंदा रहते हैं। विचारों को जिंदा रखने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोग बाबा साहेब के बारे में जानते हैं जितना हमें बताया गया है या जितना हमने भाषणों से सुना। आजकल सुनने में आता है कि टीवी पे भी प्रोग्राम आता है बाबा साहेब के रिगार्डिंग, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो चुके हैं उसमें बाबा साहेब अभी तक घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। एक्चुअल में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में किया है वो भारत का कोई भी सीरियल जो इन चैनल्स में आता है कभी भी आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रियल स्ट्रगल नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा और मेरी बात मानिए, अगर एक बार कोई अम्बेडकर को पढ़ गया तो फिर उसके बाद उसे कुछ किसी और सहारे की कोई जरूरत नहीं है। हम में मतभेद हो सकते हैं, मैं एक नास्तिक हूं और उसका कारण यह है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ इसलिए नहीं मानता कि मैं उनकी वजह से एक जगह पहुंचा हूं। जब तक मैं हूं डॉक्टर अम्बेडकर मेरे जीवन में रहेंगे और जब तक मैं हूं मैं डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए काम करूंगा। मिशन के लिए काम करने के लिए खुद पे विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बाबा साहब से ये पूछा गया कि आप इस समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं आपको क्या लगता है कि आप कितने कामयाब हो पाएंगे इसके बारे में, तो उनका बहुत ही जवाब इंटरेस्टिंग सा था कि ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इसमें मेरा कामयाब होना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं
उसमें मैंने ये चीज समझी है कि
भाषण में जो मैं पंक्तियां लिख
Thank you.
राइजिंग स्टार और डीएवी पब्लिक स्कूल से कोई बच्चा अगर रहता है तो समय देख के संपर्क कर लें। इसके बाद आ रहे भारतीय पब्लिक स्कूल चंपा अदिति अहीर, अदिति अहीर दिव्यांश हितैषी सरोजनी हितेश हितैषी ए प्लस इन नर्सिंग क्लास। इसके बाद विष्णी क्लास जिनिशा डॉक्टर श्री दीपक कुमार 99% अबाउट फर्स्ट पोजिशन। पी मनीष और ये है पीयूष, पीयूष इस तरफ आए। इसके बाद शानवीर, शानवीर सनोश्री, सनोश्री रवि ए प्लस ग्रेड इन नर्सरी क्लास। सूर्या सनोश्री जितेश्वर सूर्या ए प्लस ग्रेड इन, ए प्लस ग्रेड इन 91% के साथ 10th इन्होंने पास की है। इसके बाद सेंट स्टीफन के जी क्लास अजमिका। ये हैं यश सूर्या सनमश्री विनय सूर्या, यश सूर्या वी फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट क्लास पारस ठाकुर। धैर्य माही, माही गौतम श्री केवल कुमार सही नहीं है। न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल महिला दैवी आइए। राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल राइजिंग ए प्लस ग्रेड इन एलकेजी क्लास रिवान रैयाना चौहान, रैयाना चौहान सरोजनी नितेश एवन ग्रेड इन नर्सरी क्लास निवान साबी क्लास मायरा ए प्लस ग्रेड इन सेकेंड क्लास कशिश फर्स्ट पोजिशन इन फर्स्ट क्लास कृतिका कोई है आजाद सनम श्री अमित आजाद 90% इन फोर्थ क्लास मृदुल आजाद डॉक्टर श्री अमित आजाद। ये बच्ची बकारी से है हर बार ये पुरस्कार। अजितेश सिंह वो भी ने देखे पोएटिक रेसिटेशन में फर्स्ट पोजिशन। तक्षित श्री अनिल कुमार एकाग्र एकाग्र पहली पोजिशन आई है। डिवाइन डॉक्टर श्री विनय सरोल प्रांजल डॉक्टर श्री दीपेंद्र कुमार जेस्ट राही डॉक्टर सन ऑफ श्री विशाल सेंट जेवियर स्कूल सरोल प्राशिव अहीर सन ऑफ श्री पंकज अहीर ए प्लस ग्रेड इन थर्ड क्लास प्राशिव ए ग्रेड इन एलकेजी क्लास। यशस्विनी डॉक्टर ऑफ श्री ज्ञानी इशिता डॉक्टर ऑफ श्री सुनील सेकंड पोजीशन इन 10+1 नगोड़ी आविका डॉक्टर ऑफ श्री ओम प्रकाश और बच्चा रह रहा था कि सारे नाम बता चुका हूँ सम्मानित करें। डिवाइन पब्लिक स्कूल हरदासपुर अवनी कहीं है तो अवनी के बीच में कई बार नाम छूट जाते हैं। सिंगापुर से ये जाके आए हैं सिंगापुर में अभी 10 दिनों के बाद ये इससे पहले केरला और उससे पहले 6 सितंबर को योगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो ज़्यादा क्यों कहीं चर्चा में या ज़्यादा लाइन लाइन में रहना पसंद नहीं करते हैं। बार बार उनके आग्रह करने के बाद मना कर रहे थे उसके बावजूद हम उनका नाम अनाउंस कर रहे हैं। 63 प्रेजेंट वाले ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं कर्ण चंद्रा जी हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में एबीवीपी जेपी के लिए हम समय देंगे हम उन्हें सम्मानित करेंगे।
इन्हें हम सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आप सबको सम्मानित करते हुए हम खुद को सम्मानित महसूस, और इसके बाद thank you.